भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने न केवल कोरोना वायरस के समय बेहतर कार्य किया बल्कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर दुनिया का तीसरा देश बनने का गौरव भी हासिल किया है। परिधि गृह बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेश कश्यप ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का गुणगान किया तथा कहा कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ लोगों को शामिल कर 5 लाख रुपए के निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा देश में 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया है तथा 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हिमाचल सरकार ने भी हिम केयर योजना शुरू की है तथा प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, जिससे प्रदेश देश का पहला धुआं रहित राज्य बना है। उन्होंने कहा कि सरकार व संगठन मिशन 2022 को लेकर मिलकर काम कर रहे हैं। इस बार प्रदेश में हर 5 वर्ष बाद सरकार बदलने की परंपरा को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ बिलासपुर से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विस्तारकों को प्रशिक्षण देकर किया जा रहा है और कार्यक्रम 30 अक्टूबर तक चलेगा और अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम शिमला संसदीय सीट का होगा। उन्होंने कहा कि आगामी पंचायती राज चुनावों में ज्यादा से ज्यादा भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से जब पूछा गया कि कोरोना वायरस के समय बस किराए में की गई वृद्धि और बिजली बिलों में विभिन्न चार्जेस के नाम पर की गई वृद्धि का असर सरकार पर पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि इसका आम आदमी पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि आम आदमी ही बसों में सफर करता है तो वे इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए, केवल इतना कहा कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इससे आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी। बिजली बिलों में की गई वृद्धि पर उन्होंने कहा कि इसका स्लैब तैयार किया गया और 126 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि बिजली के बिल हर महीने नहीं बल्कि 3 से 4 महीने बाद आ रहे हैं तथा इससे बिजली की खपत ज्यादा आएगी और आम आदमी को बढ़े हुए रेटों से बिल की अदायगी करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि बिजली के बिल हर महीने दिलवाए जाने का मामला सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि आम आदमी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़ सके। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एक मंत्री पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि आरोप लगाना अलग बात है तथा जब तक व्यस्त नहीं हो जाते तब तक किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से परहेज ही किया। उनका फायदा आज जो है लोगों को मिल रहा है। इसी प्रकार से जो प्रदेश सरकार है 2.5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने भी माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में इस प्रकार से काम हुआ। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना इस देश में लागू हुई उसको आगे बढ़ाया और हिमाचल प्रदेश में एक भी परिवार ऐसा ना बचे जिसके पास अपना गैस का कनेक्शन नहीं हो। हर एक परिवार को गैस कनेक्शन देने का काम किया गया। आज हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि पूर्ण रूप से धुएं से मुक्त है, जहाँ एक भी परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके पास अपना गैस का कनेक्शन नहीं हो। जहाँ आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की योजना उसको आगे बढ़ाकर हिम केयर योजना इस प्रदेश में लागू करके इस प्रदेश के लोगों को भी जो आयुष्मान भारत योजना से छूट गए उनको उसी प्रकार से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके, स्वावलंबन योजना और अनेकों शुभारंभ जो है कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी से 2022 में हिमाचल प्रदेश में इसमें कौन कौन प्रशिक्षण देंगे? इसमें हमारे पार्टी के ही लोग हैं जो कि इसमें ट्रेनर हैं और हमारे जो आगे ट्रेनर ट्रेनी तैयार करेंगे जो कि अगले 2 दिनों में हमारे जो विस्तारक हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, ये आगे से आगे? हाँ हाँ, इसी प्रकार से हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो विस्तारक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब वो आगे जाकर फील्ड में इसमें क्या रहता है, क्या बताते हैं पार्टी की पार्टी का अपना कार्यक्रम है। आज हमारी पार्टी प्रदेश से लेकर पन्ना प्रमुख तक पार्टी का विस्तार हुआ है और इसी कार्य को पार्टी आगे बढ़ा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और जो सरकार की योजना है उनका लाभ भी मिले और आम जनता तक हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना को पहुँचा सकें। पंचायत चुनाव के लिए क्या नीति है?
जहाँ तक पंचायती राज चुनाव की बात है, हमारा संगठन, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचायती राज चुनाव जिनके ऊपर नहीं होते, लेकिन हमारे सभी हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि पंचायती राज में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विचारधारा के लोग जीत कर आए। इसमें अच्छा बस कराए की बात है या बिजली की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसके बारे में कह चुके हैं, इसमें आम व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का प्रभाव के आम व्यक्ति ही।